महिला की मौत के मामले में संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने लक्सर के अंबेडकर चैरिटेबल हॉस्पिटल पर शिकंजा कस दिया है। अस्पताल पर कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर विवेक तिवारी, लक्सर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा और बीपीएम आशीष कुमार की टीम को गठित कर दिया। सीएमओ गठित स्वास्थ्य टीम ने पहले अस्पताल का निरीक्षण किया तथा अस्पताल के तमाम दस्तावेज कब्जे में लेने के बाद अस्पताल पर ताला डाल दिया। टीम में शामिल दोनों डॉक्टरों ने बताया कि पिछले दिनों अस्पताल में प्रसव के बाद एक महिला जच्चा की मौत हो गई, जिसे लेकर काफी हंगामा हुआ और मृतका के परिवार वालों की ओर से अस्पताल की शिकायत सीएमओ से की गई थी। इन्होंने बताया कि अस्पताल में भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, ना कोई डॉक्टर है ना कोई वार्ड बॉय है। अस्पताल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मामले की जांच जारी है, जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। मृतका थी, इसके बारे में हम लोग सीएमओ साहब के निर्देश अनुसार जाकर के पूरी जांच का आख्या दीजिए और बताइए वहाँ क्या क्या हुआ है। मैं पहले भी गया था, अस्पताल बंद पाया गया था, लेकिन पुनः हम लोग दोबारा आज फिर एक टीम के माध्यम से हम लोग गए। वहाँ संचालक था, खुला हुआ हॉस्पिटल पाया गया, मेडिकल स्टोर अंदर था, कोई नहीं पाया गया और वहाँ पर सारी अव्यवस्थाएँ थी, डॉक्टर कोई नहीं पाया गया वहाँ पर। तो अभी सीएमओ साहब के वार्ता के अनुसार हम लोगों ने उसको बंद कर दिया है और अभी कॉपी सीएमओ साहब को डीएम सर को कर रहे हैं। दस्तावेज कब्जे में ले लिए? हाँ, दस्तावेज कब्जे में ले लिए। इसकी एक शिकायत आई थी कि कोई एक गर्भवती महिला यहाँ इलाज के लिए आई, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके लिए सीएमओ साहब के निर्देशानुसार हम लोग जाँच के लिए गए थे। मैं, डॉक्टर अनिल वर्मा सर और आशीष जी हमारे बीपीएम जो हैं लक्सर के। तो वहाँ पे जाने पे हमने देखा कि एक तो सिर्फ इनका एक संचालक वहाँ पाया गया, कोई डॉक्टर नहीं था वहाँ पे, कोई वार्ड बॉय नहीं, कोई फार्मासिस्ट नहीं, और जो अस्पताल की जो स्थिति थी वो भी जो है मानकों के अनुरूप नहीं है। तो अभी तो फिलहाल हमने अस्पताल को बंद कर दिया है और अब हम आज उसकी रिपोर्ट डीएम सर को देंगे, तो जैसे उनके आदेश होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी।